हेलो जी, हेलो, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक सिंपल सी थाली की रेसिपी, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों हैं। तो इसे मैंने कैसे बनाए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिए है यहाँ पे पालक और टमाटर, प्याज और मिर्च, और साथ ही मैंने छोटी मछली ली है बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे देखिए दाल भी मैंने चढ़ा दी है, चावल भी, और आलू पालक बनाने के लिए आलू को भी बॉईल होने के लिए रख दिया। और साथ साथ आलू का भरता बनाने के लिए भी आलू मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू दाल और आलू चढ़ा दिए थे अच्छी तरीके से धो के। तब यहाँ पे मैं साग को अच्छी तरीके से चुन लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ और इसको कटिंग कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो ऐसे बनाती हूँ, कुकर में बहुत कम बनाती हूँ। और जो ऊपर में जो वाइट वाइट फेने हैं ना, इसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि कोई मतलब ऐसे दाल मेरे घर में खाना पसंद नहीं करते हैं, जो वाइट वाइट होते हैं ना, ये हमारे सेहत को नुकसान करते हैं। तो हम मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, ये जो वाइट वाइट फेने हैं, चाहे दाल में हो या चावल में हो, आप दोनों में से निकाल लीजिए तो अच्छे रहते हैं, सेहत के लिए सही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं। इसके बाद भी जितने फेने उठेंगे तो मैं नमक हल्दी नहीं डालती, इसलिए क्योंकि मुझे फेने निकालने रहते हैं तो उसमें हल्दी वगैरह निकल जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने पालक भी कटिंग कर लिए थे, जितने मतलब सब्जी जो भी ले रखी थी उसकी चॉपिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए मेरी दाल मतलब अच्छी तरीके से मैंने वाइट वाले जितने भी वो थे, पानी थे, वो सब मैंने निकाल लिए दाल में से। और यहाँ पर मैंने डाल दी हल्दी और नमक, स्वाद अनुसार हल्दी और नमक डाल दिया। तो इस दाल में मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं मतलब ऐसी बिल्कुल आज प्लेन दाल बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल दाल। इसमें कुछ मतलब प्याज लहसुन को मिर्च का कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ तड़का लगाऊंगी, वो भी लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरीके से इसमें नमक भी डाल देती हूँ। और आलू हो गया है तो उसको मैं ठंडा होने के लिए नीचे रख चुकी हूँ। और चावल होने में और दाल होने में थोड़ा वक्त लगेंगे, जब तक मैं पालक आलू की सब्जी भी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पालक आलू सब्जी बनाने के लिए सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया पालक और प्याज और ये लिए। और देखिए मैं बिल्कुल देसी जुगाड़ करती हूँ, जैसे दाल पानी कम हो तो मैं पहले ऊपर में दाल में पानी रख दी हूँ ताकि वो गर्म हो जाए। और कढ़ाई भी यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए। तो देखिए मेरा किचन कुछ इस तरीके से थे। तो पानी गर्म होने के बाद जब भी दाल में पानी कम हो जाए तो आप इस तरीके से रख दें तो ये अच्छे होते हैं, मतलब पानी आपको गर्म ही मिलेंगे और ठंड का मौसम है तो पीने में भी काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में सरसों का तेल, क्योंकि आलू पालक का सब्जी है तो थोड़ा सा देसी तरीके से आप बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है आलू पालक की सब्जी। तो यहाँ पर एक सूखी मिर्च भी मैंने ऐड कर दिए हैं, सूखी मिर्च की जो फ्लेवर है बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जब भी मतलब आप बनाए तो सूखी मिर्च में बनाए उसकी फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी जीरा, अगर आप जीरा नहीं खाते तो यहाँ पे 5 फ़ोरन डाल दें, 5 फ़ोरन का भी जो फ्लेवर है बहुत अच्छी लगती है खाने में, सोना सोना खुशबू आते हैं। तो एक्चुअली मैं आलू पालक की जो सब्ज़ी बना रही थी वो मैं किसी और मतलब टिफिन जब भी बनाती हूँ तो ऑर्डर पे बना रही थी मैं आलू पालक का सब्ज़ी, तो ये किसी क्लाइंट का सब मतलब पहुँचाना था तो ये मैं यहाँ पे आलू पालक का सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो मैं अधिकतर जब भी ऑर्डर का खाना बनाती हूँ तो मैं जीरा ही कोशिश करती हूँ, 5 फ़ोरन का नहीं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आप कौन सी मतलब तड़के वाली खाओगे, तो उन्होंने बोला था मुझे जीरा वाली चाहिए तो मैंने जीरा ही मैं यहाँ पर ऐड करूँ। यहीं पर मैंने डाले हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप खाते हो तो चॉपिंग करके मतलब चॉप करके अदरक और लहसुन यहाँ पर कटिंग करके डाल दो तो वो भी अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन सब्जी बनाओ तो इस तरीके से पेस्ट ऐड करो वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब आप पेस्ट जब भी डालोगे ना तो अच्छे मतलब फ्लेवर जो अच्छे लगते हैं सब्जी में खाने में। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच छोटी चम्मच से 1 चम्मच भर के मिक्स मसाला मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ, इसी में डाल दूँगी थोड़ी सी पानी ताकि मतलब फ्राई हो जाए अच्छे से और प्याज भी गल जाए। और तो देखिए यहाँ पर और आलू को भी मैं अच्छी तरीके से छील छाल के मैंने रख दिए पहले से ही,
तो देखिए यहाँ पे मैं पानी डाल के पहले प्याज और टमाटर मटर को सारे अच्छी तरीके से गला लेती हूँ। तो आप लोग मतलब कैसे बनाते हैं सभी, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। तो यहीं पर मैंने नमक डाल दिए हैं ताकि जो प्याज व्याज जो भी है वो सारा गल जाए और मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और यहीं पे मैं ना आलू छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रही थी और यहीं पे मैंने डाल दिए टमाटर ताकि मतलब मसाले में भी टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट आलू भी गले हुए थे तो टाइम नहीं लगेंगे सब्जी बनने में। तो देखिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आलू ही मैं कटिंग कर ली हूँ, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो अलग तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि एक ऑर्डर वाली मतलब सब्जी थी तो मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पहले मैंने मसाला वसाला फ्राई करने के बाद मैं आलू अच्छी तरीके से एक दो मिनट के लिए फ्राई करती हूँ। और आलू में से भी एक अच्छी तरीके की खुशबू आ रहे थे। आप चाहे तो यहाँ पे मतलब जैसे मुझे लगा ना कि फ्राई आलू में से ही निकाल लूँ खाने के लिए दाल चावल, तो यहाँ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को और टमाटर अच्छी तरीके से मैंने गला लिए हैं, ऑलमोस्ट सब गल गए हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिए पालक, क्योंकि पालक गलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं पालक गलने में। और बिल्कुल ताज़ा पालक थे, गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पालक साफ करके पहले से रखी थी, तो यहाँ पे इसको मैं चलाऊंगी नहीं, क्योंकि नीचे आलू है तो उसकी मतलब कुकिंग मतलब वो जब भी कुक होंगे तो ना तो पालक भी अपने आप गल जाएंगे। तो यहीं पर मैं इसको ना कवर कर देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, और जो पालक में थोड़ी बहुत पानी भी होगी ना वो भी हो जाएंगे। तो देखिए मैं दाल ना रुक रुक के चेक कर रही हूँ, तो दाल मेरी अभी मतलब हुए नहीं है और 5-10 मिनट और लगेंगे। तो मैं अभी देखिए थोड़े थोड़े से मतलब हो गए, थोड़ा सा टाइम और लगेंगे 5 मिनट। तो दाल को अच्छी तरीके से मैं पका रही हूँ, चावल भी मैं चेक कर रही हूँ कि हुए या नहीं हुए। तो ये हम लोग का देसी जुगाड़ है, जैसे आप मतलब चावल लोगों हाथों के मदद से आप चेक कर रही हूँ मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से अब पालक भी चढ़ा दिए और चावल भी हो गए थे, तो चावल को भी मैंने छान लिए। यहीं पर मैं छोटी वाली मछली फ्राई करूँगी। तो यहाँ छोटा सा मतलब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधी चम्मच ना मिक्स मसाला मैंने ऐड करी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट जब डालो ना तो जो ना छोटी वाली फिश है ना दाल चावल के साथ खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत। आप कोई सब्जी वब्जी आप कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आप दाल चावल और फिश खा सकते हो। एक तरीके से बंगाली खाना भी है, क्योंकि बंगाली लोग छोटी मछली बहुत खाते हैं और मुझे खास करके पसंद है। तो मैं देखिए मैं आज सोची कि मैं छोटी वाली मछली ही बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं छोटी वाली मछली में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। और न ये जो फ्राई हुए थे ना तो बड़ा खाने में क्रिस्पी थे और बड़ा टेस्टी थे। तो जो भी जो मतलब खाते हैं उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है दाल चावल आलू पालक का सब्जी और आलू का भरता। तो यहाँ पे देखिए मैं पैन भी रख चुकी हूँ, तो इसको मैं गर्म कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं पैन में डाल दूँगी तेल गर्म होने के लिए। तो छोटी वाली मछली की जो ना टेस्ट है ना बहुत बेहतरीन लगती है, और ये कांटे वाली मछली थी ये खाने में बहुत टेस्ट थे और बहुत अच्छे लगते थे खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैं पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लेती हूँ, पैन ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि फिश नहीं तो चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी फिश में डाल देती हूँ। देखिए आप उधर आलू पालक का सब्जी भी मैं चला रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि ताकि मतलब ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो ओवर कुक होने से क्या होता है ना, जो पालक के जो फ्लेवर वो भी निकल जाते हैं, जो मसाले के हैं वो भी निकल जाते हैं, फिर ना वो सब्ज़ी धुई धुई टाइप की लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ढक देती हूँ, क्योंकि पालक मुझे और होने में 1-2 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से मतलब तेल गरम करने के बाद एक एक करके मछली मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और एक तरफ से मतलब बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे ना, तो ये अपने आप मतलब इसको पलटने में आसानी रहते हैं, इसको मतलब ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा छेड़ोगे तो बेकार हो जाएंगे। तो मैं छोड़ देती हूँ कि जब भी आप इसको फ्राई करोगे तो जब क्रिस्पी हो जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ
ये हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ना मछली को डाल चुकी हूँ, और डालने के बाद है ना गैस को बिल्कुल मीडियम रखती हूँ पहले एक दो मिनट के लिए, और उसके बाद मैं फिर हाई करके इसको करारा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू पालक का सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से हो गए हैं, बस इसको फ्राई करना बाकी है। तो देखिए मतलब अच्छी तरीके से पालक सीझ गया है, अब मैं इसको ना अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट दाल भी मेरे हो गए थे, तो एक बार और मतलब फ्राई करने के लिए मैंने ढक्कन लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं मछली भी हो रहा है, क्योंकि मछली होने में टाइम लगते हैं, एक दो मिनट तो लगेंगे क्योंकि गैस को स्लो कर रखी हूँ पकने के लिए। तो यहाँ पर दाल भी हो गए हैं, गैस कर दूँगी अब बंद, क्योंकि अब फ्राई करूँगी दाल को। तो आज मैंने बिल्कुल सादा खाना बनाई हूँ, बिल्कुल सादा खाना मतलब घर के लिए मैं बनाई थी, दाल चावल और आलू का भरता और फ्राई फिश और ये पालक की सब्ज़ी जो आप देख रहे हो, ये पालक की सब्ज़ी मतलब घर के लिए नहीं है, ये पालक की सब्ज़ी बाहर के लिए है। क्योंकि आप लोग को नहीं पता, आप सबकी सिरपा एक छोटी सी मतलब घर में टिफिन सर्विस की भी वो खोल रखी है, तो मैं अधिकतर मतलब टिफिन बनाती हूँ तो उसमें भी बिजी रहती हूँ। तो कि आप लोग मैसेज का मतलब जानना चाहते हो कि मैं कैसे क्या क्या करती हूँ, तो ज़रूर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, मैं किसी और दिन में ज़रूर बताऊँगी अपने बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं पैन भी चढ़ा चुकी हूँ ताकि अच्छी तरीके से तड़का लगा सकूँ, पैन को अच्छी तरीके गर्म कर लूँगी, उसके बाद उसमें मैं जीरा वीरा डालूँगी। तो जैसे कि मैं आपको बताएगी, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं क्या करती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, कैसे पहुँचाती हूँ। तो मैं किसी और दिन मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अधिकतर मैं किचन में ही रहती हूँ, और मेरी कितनी बड़ी किचन है वो भी आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पैन में मैं जीरा और हरी सूखी मिर्च मैं ऐड कर चुकी हूँ, और अच्छी तरीके से इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। तो मैं जब भी मतलब ऑर्डर का खाना बनाती हूँ तो मैं बना के नहीं रखती हूँ, मतलब ताज़ा खाना बना के देती हूँ, और मैं टिफिन भी देती, तो टिफिन का खाना जो है टाइम पे बनता है। तो आज छुट्टी थी, तो इस वजह से मैं टिफिन का खाना मतलब आज नहीं दी हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने मतलब जब भी छुट्टी रहती है तो मैं अपने पसंद से खाना बनाती हूँ। तो वैसे छुट्टी जो ऑर्डर आती है छोटे मोटे ऑर्डर, तो मैं उसके मैं वो ले लेती हूँ, उसको कैंसिल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी छोटे मोटे ऑर्डर थे तो मैंने उसको कैंसिल नहीं किए थे, और सुबह का टाइम था, अभी सारा दिन बाकी है, ठीक है। तो मेरा कभी कभी होता है कि बैठे रहो एकदम से ऑर्डर आ जाती है, तो मैं उधर लग जाती हूँ, तो वेज नॉन वेज दोनों बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए तो मेरा कोई गारंटी नहीं है, अब जैसे मैं खाना बना रही हूँ इसी में फ़ोन बज गया मुझे ये चाहिए, फिर मुझे क्या होता ना कि घर का सारा काम छोड़ के एक साइड में रख के उसके बाद मैं पहले टिफिन बना के भेज देती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर अपना खाना बनाती हूँ और खाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सारा काम करना अच्छा लगता है, और आप अगर कोई काम कर रहे हो ना तो लगन से करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए दाल में मैंने लगा लिया तड़का, तो पहले ना इसमें दो मिर्च मैं निकालूंगी, थोड़ा सा तेल निकालूंगी अपने जो आलू के भरते के लिए। तो आज मुझे ना कुछ इस तरीके से गाँव के जैसे भरता बनाने का मन कर रहा था, तो मैं उसके लिए मैंने दो मिर्च ले ली हूँ। और देखिए यहाँ पर दाल में तड़का भी लग गया अच्छी तरीके, यहाँ पर रही अच्छी तरह जो कलछी गरम है ना उसमें मैं दाल डाल के घुमा लूँगी ताकि जो है उसमें सोनापन जो है ना दाल में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दाल भी हो गए, आलू का भरता को मिलाना है, तो आपके सामने मैंने नमक ऐड किया है। तो यहाँ पे इसमें आलू का भरता मैं कुछ भी नहीं ऐड और करूँगी, बस ये सूखी मिर्च और तेल जो आपके सामने मैंने इसमें डाले हैं। तो इस तरीके से मैं आज बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सादा खाना बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ना काफ़ी टाइम से ना एकदम सादा खाना खाने का दिल कर रहा था। तो जैसे कभी कभी होता है ना, आप जिस जगह से हो ना उस जगह का खाना पीना थोड़ा सा याद आ जाती है, तो आपको मन करता है कि उस टाइप से खाना बनाओ खाओ, और जब आपको आता है बनाने तो आप देर क्यों करते। तो फिर भी मैंने कभी कभी क्या होता है ना, मैं कभी इतनी बिजी रहती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ मैं, और टिफिन बनाने में भी बिजी हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी है तो मैं बना ही लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सारी मछली फ्राई हो गया है, तो मैं जब भी खाना खाऊँगी तो थोड़ी थोड़ी गर्म करके उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो दाल भी हो गए, फिश भी हो गए हैं, आलू का भरता बस
इसको मिलाना बाकी है। तो मिलाने के बाद अच्छी तरीके से, तो देखिए आज मैं पूरे किचन मतलब एक पूरा प्रॉपर खाना का भी मैं पूरा वीडियो लेके आई हूँ। तो कैसा लगा मेरी ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग मतलब सपोर्ट और प्यार देते रहिए ताकि मैं ना कुछ नई नई चीज़ें मैं लेके आऊँ अपने वीडियो में आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मैं ना आप लेके मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे थोड़ा छोटी छोटी चीज़ मैं लेके आऊँ मेरी ज़िंदगी में क्या होती है, चाहे मेरे किचन में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने टिफिन के रिलेटिव कुछ चीज़ें मैं लेके आऊँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा क्योंकि मुझे फिर पता कैसे चलेगा आप लोग देखना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आलू का भरता देखिए, और ये रही मेरी खाना सब बनने के बाद किचन। और देखिए कितनी बड़ी छोटी सी किचन है, इसी किचन में मैं अधिकतर ऑर्डर बनाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।